नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो युवाओं को धोखे पर धोखा दिया जा रहा है। युवाओं को हर उस हक से महरूम किया जा रहा है जिसके वो हकदार है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब जब युवा कोई डिमांड करता है नौकरियों के लिए, कहता है कि जनाब भर्ती निकालिए, और जब भर्ती निकलती है तो उसे पूरा करने में चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं, और उन चार पांच सालों के बाद भी क्या होता है, घोटाला हो जाता है। और ठगा कौन जाता है? युवा ठगा जाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले पांच सालों से यही देखने को मिल रहा है। युवा जो है वो निराश हो रहा है। ठीक है, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जब आप बकायदा नोटिफिकेशन निकालते हैं, जब आप बकायदा इंटरव्यू देते हैं, बकायदा आप लिस्ट निकालते हैं, फिर आपकी लिस्ट जो है क्वैश कर जाती है और कहते हैं कि जनाब इसमें धांधली हो गई, इसमें घोटाला हो गया। और घोटाला किया किसने? सरकार के अधिकारियों ने किया, सरकारी बाबुओं ने किया। लेकिन मजाल है कि किसी पर एक्शन हुआ हो, और एक भर्ती करने में चार चार पांच पांच साल लगा देते हैं। और खासकर वो यूथ सबसे ज्यादा निराश हैं जो यूथ पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर केएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। उनमें देखिए, केएस ऑफिसर्स की भी लिस्ट जब निकली थी दो तीन साल के बाद ही निकली थी, तो तब तक ओवर एज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पोस्टें होती हैं ये इन डिपार्टमेंट्स की जो फॉर्म निकाले जाते हैं, इनकी एक लिमिटेड उम्र होती है। आप सोचिए, 2016 में सब इंस्पेक्टर्स के फॉर्म भरे गए थे, 2021 में पूरे होते हैं, 22 में घोटाला पता चलता है, फिर क्वैश होता है, फिर उसके, और आप सोचिए कि इन 7-8 सालों में बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी ईमानदार सरकार है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये तो चीजें हो गई साइड पे, लेकिन अब एक नया चलन चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में, वो है रिजर्वेशन का, कि जनाब अब हम पोस्टें इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि राज्य का पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन होने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, पहले यूटी के कानून के दाव पेच में युवाओं को फंसाया, अब रिजर्वेशन में युवाओं को फंसा दिया है। क्यों? क्योंकि राज्य का पुनर्गठन हुआ, गुजर बकर वालों को पहाड़ी स्टेटस दे दिया गया, और भी यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दी गई, और अब जनाब अब कोई फॉर्म नहीं निकलेगा क्योंकि नॉर्म्स जो है वो बदल गए हैं, अब बच्चों को इसमें उलझा दिया है, और ऐसा उलझाया है कि यूथ जो है वो परेशान हो गया। वो कह रहा भाई साहब करे तो करे क्या, लेकिन मजाल है कोई नेता बोले, मजाल है कि किसी पार्टी का कोई बड़ा लीडर बोले, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस, चाहे एनसी, पीडीपी, कोई भी, और सांसद, मानिए सांसद भी नहीं बोल रहे, सबके सब खुश हैं, दो सीटें हमने जीत ली, हम मंत्री बन गए, भाजपा के लिए ये खुशी है, कांग्रेस इसलिए निराश है कि भैया हम होते तो हम आपकी आवाज उठाते, पीडीपी एनसी इसलिए खामोश रहती है कि भाई साहब 370 तो ढोल ढिंगारे बजाए थे लोगों ने, तो आप भुगतो, और दो सीटें एनसी ने जीत ली है, संसदीय वो उसी में खुश है, इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बच्चे जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं इस रिजर्वेशन का, जो एक नया टंटा इन्होंने यहाँ पे ले आए कि अब जनाब नया रिजर्वेशन, अब नई यहाँ से पूरा जांच और वो नियम कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, पहले पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, शायद वो हो भी चुका है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि बकायदा JKSSB को जाता है PHKO की तरफ कि जनाब 752 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो पोस्टें खाली हैं, और JKSSB भी बच्चों को खुश करने के लिए ट्वीट कर देता है कि ये भर्ती हम बहुत जल्द पूरी करेंगे।
लेकिन अब ये भर्ती जो है वो जी का जंजाल बन गई है यूथ के लिए। क्यों? क्योंकि गुजर बकरवाल, पहाड़ी, दूसरे ये स्टेटस, ये रिजर्वेशन जो इन्होंने दिया है, जो आरक्षण दिया है, अब ये उसी में उलझ कर रह गए हैं। और विभिन्न विभाग के, ये तो 752 PHQ के हैं ना, ना जाने और कितने डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पर। बकायदा डिपार्टमेंट ने ये कहा होगा कि जनाब इतने इतने पोस्टें खाली हैं, मैन पावर की कमी है, हमें इतनी पोस्टें फिल करनी है, फटाफट वो करिए। लेकिन यूथ को किसमें उलझा दिया? इसी में। पहले राज्य का पुनर्गठन हुआ, उसमें उलझा दिया, यूटी बन गई। और ये अपने आप में एक ऐसा, जम्मू कश्मीर एक राज्य जो था वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास बन गया है जनाब, दूसरे राज्य के जब पुनर्गठन होता है तो वहां से एक नया राज्य निकलता है, यहाँ से एक नई यूटी निकली और हमारे लोगों ने भी ढोल नगाड़े बजाए। उन्होंने सोचा पता नहीं जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि अब होगा कंपटीशन, अब बाहर वालों से हम कंपटीशन करेंगे। तो भैया मुझे ये बताओ, बाहर वाला कौन सा बच्चा यहाँ पर आ गया आपका कंपटीशन, आपको कम्पीट करने के लिए, यहाँ आप उससे कम्पीट कर रहे थे। लेकिन अब यूथ जो है वो इस उलझन में उलझ गया है कि भाई साहब कब इनका पूरा जो इनके जो कार्य है वो पूरा होगा, कब पोस्ट निकलेंगी। और आप सोचिए कि विभाग ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, ये पोस्टें हैं, ये निकालिए, लेकिन वही आरक्षण के चक्कर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आरक्षण के चक्कर में अभी तक पोस्टों को जो है वो निकाला नहीं गया है। अब सोचिए कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, PHC हो गया, जिसे आजकल जल शक्ति कहा जाता है, बिजली विभाग हो गया, और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ये लटन फटन जितने भी हैं वहाँ पे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और LG साहब भी जो है वो सिर्फ दिल्ली का दौरा लगाते हैं, PM साहब से मिलकर आ जाते हैं, गृह मंत्री साहब जी के साथ मिलकर आ जाते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे दिए जाते हैं। चिंता इन्हें भी नहीं है। अगर इन्हें चिंता होती, जो पेपर लीक हुआ, जिन्होंने लीक किया, जिन बच्चों ने पेपर खरीदे, उन बच्चों को दोबारा से बैठने का मौका ना देते और कड़ी कार्रवाई होती। सिर्फ 2-3 आदमी पकड़े हैं, बाकी सब के सब जितने भी हैं वो दूध के धुले हुए हैं। और JKSSB का हम पहले हाल बता चुके, और कुछ पत्रकार जो हैं जब वो कहते हैं कि पोस्टें विथड्रॉ कर ली गई हैं तो गुणगान इस तरह से किया जाता है, और बताते हैं कि क्यों, ये उनकी मजबूरी है सरकार के हर उस फैसले की तारीफ करना जो फैसला यूथ के खिलाफ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार के उस निर्णय को, सरकार के उस फैसले की ये तारीफ नहीं करेंगे, इन्हें क्वार्टर नहीं मिलेगा, इन्हें बंगला नहीं मिलेगा, इन्हें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पत्रकारों को दिए जा रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर घर से चैनल कैसे चलेगा इनका। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ की ना ये पत्रकार सुन रहे हैं, और ना ही वो लोग जिन्हें दायित्व दिया गया है कि भाई साहब आप हमारी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन कोई नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम एक यूथ से बात करेंगे, उन्हीं से, उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये चक्कर क्या है, क्या लग रहा है आपको कि सरकार वाकई में संजीदा नहीं है, या फिर आरक्षण के नाम पर बरगलाया जा रहा है और यूथ को इसी तरह से खज्जल कर देना है। हम इस यूथ का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई साहब, आजकल घर से उठाकर ले जाते हैं। विंकल का तो पता ही होगा, विसल बलोर, किस तरह से पुलिस उसको घसीटते हुए लेकर चली गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है, और जिन्होंने पेपर लीक किए उनका पता ही नहीं। हेलो, जी 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 सर, हाँ ये बताइए, ये जो इन्होंने एक नया टंटा शुरू कर दिया है कि जब तक ये जो नया आरक्षण इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम पोस्टें जो है निकालेंगे नहीं, विड्रॉ इन्होंने कर दी गई हैं और कई डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको ना मतलब पूरे डिटेल वे में बताना चाहूंगा कि
जब ये पुरानी जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट चल रही थी और पता चला था कि इस रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है और पेपर मतलब कैंसिल किया था गवर्नमेंट ने, उसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर से एक मतलब पोस्ट रेफर की जाती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और बोला जाता है कि 1200 पोस्टें तो हैं जो रिक्रूटमेंट के अंदर चल रही है बट उनको मतलब मैन पावर की जो कमी है वो महसूस हो रही है और उन्होंने 752 पोस्ट जो है रेफर की एसएसबी को जी। और बच्चे जो बच्चे उस टाइम पे एलिजिबल नहीं थे और जिनको पता था कि इस रिक्रूटमेंट के बाद वो दूसरी पोस्ट में एलिजिबल हो जाएंगे तो वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये पोस्टें रेफर हुए अब ऑलमोस्ट 1.5 साल होने लगा है। अच्छा, बट उस 1.5 साल में दूसरी पोस्ट का रिजल्ट अब क्या हुआ सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ बच्चे जो जेन्युइन कैंडिडेट थे जो स्कैम वाले जिस एग्जाम में स्कैम हुआ जिसमें वो थोड़े नंबरों से रह गए, चलो उन्होंने सोचा कि न्यू पोस्टें आ रही हैं हम उसमें अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब नया रिजल्ट आया उसमें बड़े सारे बच्चे थे जो पुराने सिलेक्ट नहीं हुए थे वो न्यू में सिलेक्ट हुए, जो न्यू में सिलेक्ट हुए वो पुराने में नहीं सिलेक्ट हुए, तो चलो बच्चों को एस्पिरेंट्स को कुछ उम्मीद थी कि जो न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है चलो हम इसमें नहीं हो पाए तो हम अगली में हो जाएंगे। अब वो बच्चे जो 27 ईयर का था, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 28 मतलब जो पुलिस रिक्रूटमेंट होती है वो 8 बाउंड मैनर में होती है, और ये रिक्रूटमेंट ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई हमारे पास कैलेंडर है कि हर साल होगी या 2 साल के बाद होगी, तो एस्पिरेंट उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। अब ये आप मतलब कितना स्ट्रेसफुल होगा एक एस्पिरेंट के लिए कि जो पिछले 4 साल से कंटिन्यू एसआई की तैयारी कर रहा है और जिसको 2 साल से एक नोटिफिकेशन पता है कि वो डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है, पोस्टें रेफर भी हो चुकी है, बट वो जो बोर्ड है वो रिक्रूटमेंट निकाल ही नहीं रहा है, जब तक रिक्रूटमेंट निकलेगी नहीं बच्चों को पिक्चर नहीं क्लियर नहीं होगी, और जो बच्चा 27 का था वो 3 साल रिक्रूटमेंट अगर लटकी तो वो 30 का हो जाएगा, तो उसका तो जो चांस है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो चांस है वो तो चला गया। फिर बच्चे अगर फॉर एग्जांपल ये अब 6 महीने बाद रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो फिर बच्चों को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़कों पे आके कि हमारी एज रिलैक्सेशन कर दो, तो इस सारे मतलब आप चीज को अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट सफर करते हैं। ये मुझे ये बताइए ये इस कारण हो रहा है सब कुछ कि जो आरक्षण जो एक नया लागू किया गया है उसको लेकर अभी इनको भी ये समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। देखो आरक्षण देखो सर वही बात है कि बैक एंड पे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, एस्पिरेंट उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर रहा है जी। बट जो 1.5 साल से पोस्ट रेफर हुई है मैं कहता हूँ रिजर्वेशन वाली बात जो है वो अभी आई है 4-5-6 महीने पहले, बिल्कुल पोस्ट इनके पास डेढ़ साल से पड़ी हुई है, तो ये कुछ प्लानिंग से ही हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि पोस्ट अगर ये एडवर्टीज कर ही नहीं रहे हैं तो बैक एंड से कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रहा है जिसका बच्चों को कुछ नहीं पता है। नहीं आप ना ही हमारा जी जी बोलिए बोलिए जी जी सर मैं वही कह रहा हूँ कि ना ही बच्चों को कैलेंडर का कुछ पता। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अभी एक फॉरेस्टर की भी पोस्ट है जिसकी रिक्रूटमेंट 2 साल से चल रही है, उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, उसके 2 साल से मतलब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सब कुछ आया हुआ है, बट उसका आगे कोई प्रोसेस कंटिन्यू है ही नहीं है, ना बच्चों को पता है कि वो कब होगा, कब उसकी रनिंग होगी, कब पेपर होगा, कब ज्वाइन, मतलब वो 2 साल से रिक्रूटमेंट चल रही है आज तक उसका फॉरेस्टर पोस्ट का कोई पता नहीं, और आप अभी देखिए पूरे जंगलों में आग लगी हुई है, डिपार्टमेंट के पास मैन पावर है ही नहीं बट ये रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे जी। तो यही सारे बात नहीं, अगर डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है और वो कितने सालों से कई महीनों से खाली है, कितने सालों से खाली है और फिर उनको जरूरत पड़ती है तो वो बकायदा JKSSB को बकायदा बताता है कि हाँ जनाब ऐसे ऐसे है तो करिए अपना जो प्रोसेस है, तो फिर या तो फिर आपको लगता है कि इसमें भी एक स्कैम है कि कहीं बैकडोर एंट्री से वो जितनी उनको मैन पावर की जरूरत थी वो पूरी तो नहीं हो गई, सवाल तो ये भी उठेंगे ना। बिल्कुल सर ये तो क्वेश्चन अराइज होगा क्योंकि जो एस्पिरेंट इतनी देर से तैयारी कर रहा है जब उसको पता चलता है कि पोस्टें विड्रॉ हो गई है, अगर आप खुद ही सोचिए ना 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको एकदम पता चले कि पोस्टें विड्रॉ हो गई है तो उसके ऊपर मेंटल कितना स्ट्रेस है, उसके ऊपर कितना ज्यादा, ये बोर्ड ना समझ पाएगा ना ही ये जो रूल बना रहे हैं वो समझ पाएंगे, जो बच्चा 2 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन में है उसके लिए बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है किस्म का, क्योंकि बच्चे इसमें मेरे को क्योंकि मैन पावर की कमी, मैन पावर की कमी तो विभाग ने ही बताई थी कि भाई साहब हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है और अब वो बिना मैन बिना 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 उन लोगों के काम चल रहे हैं। सर वही मेन बात है, बच्चों ने डिपार्टमेंट में RTI डाली, RTI में गवर्नमेंट का खुद का जवाब है। अच्छा, कि हमारे पास इतनी पोस्ट वैकेंट है, इतनी पोस्ट वैकेंट है, पटवारी की कम से कम 2000 पोस्ट वैकेंट है, नायब तहसीलदार की कम से कम 250 पोस्ट वैकेंट है, फिर जो TSO होते हैं तहसील सप्लाई ऑफिसर उनकी पोस्ट वैकेंट है, तो जब मैन पावर ही नहीं है डिपार्टमेंट में तो काम तो सफर करेगा ग्राउंड पे,
और इनका सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है हमारे मतलब पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम का कि मतलब ये इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जूनियर असिस्टेंट सिलेक्ट हुआ, वो बच्चा जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करता है, उसके एक महीने बाद उसका किसी हायर पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि इनका कोई टाइम बाउंड मैनर पे सिलेक्शन ही नहीं है। अब वो क्या करता है कि वो बच्चा जूनियर असिस्टेंट छोड़ देता है और अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन कर लेता और फिर वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, जूनियर असिस्टेंट वो पोस्ट वैकेंट होगी। अब क्या होता है अगले महीने उसका एक और रिजल्ट आता है, वो जेई सिलेक्ट हो जाता है, फिर वो अकाउंट असिस्टेंट भी छोड़ देता है, फिर वो जेई सिलेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है जो स्टूडेंट जिसने मेहनत की है वो हायर पोस्ट पे जाएगा बिल्कुल, बट जो नीचे वाली पोस्ट है इनके गलत रवैये की वजह से जो खराब हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। अब कहने को आज आप अखबार का फ्रंट पेज देखोगे ना उसमें लिखा हुआ है, और इन्होंने और इन्होंने पिछले दिनों वेटिंग वाला भी वो जो वेटिंग लिस्ट में आते थे, अगर इस तरह से होता था तो वेटिंग लिस्ट वाला उसमें एडजस्ट हो जाता बिल्कुल। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज की अगर आप फ्रंट पेज की न्यूज देखोगे ना, कल प्राइम मिनिस्टर की विजिट है जेएंडके में, उसके ऊपर लिखा है 40,000 जॉब गवर्नमेंट जेएंडके में दी गई है, बट उसमें से लगी कितनी है वो पता ही नहीं ना। अब हवा में छोड़ दिया 40,000 लगी है, उसमें से 10,000 तो वैकेंट होंगी जस्ट बिकॉज आपके मतलब आपका प्रोसेस ही खराब है। आज से एक साल पहले 30,000 थी और एक साल के अंदर 10,000 कौन सी बढ़ गई भाई? यूथ को मैं तो हम तो यूथ से पूछेंगे ना, हम तो यूथ से पूछे भाई आपकी जॉब लगी है? नहीं लगी सर। तो वही सवाल यही है कि वो 10,000 डेढ़ साल में 10,000 पोस्टें कैसे निकल गई जबकि आप विड्रॉ करवा आप विड्रॉ कर रही है पोस्टें? सर विड्रॉ भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दी है पोस्टें। देखो बिल्कुल मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मोर देन 200 बच्चे थे जो जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट थे, बाद में वो एसआई में सिलेक्ट हुए क्योंकि इन्होंने रिजल्ट गलत वे में। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए कुल मिलाकर ये है कि यूथ जो है हताश है, निराश है, समय में नहीं आ रहा। कौन इसका जवाब देगा, किसकी जवाब दे तय की गई है, लेकिन हाँ ये है तालियां बजाने में हमारे नेता नंबर वन है। संसद में ये मेट्रो चला देते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो, जम्मू की मेट्रो पहुंच गई जी विजयपुर तक, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कोई सुन नहीं रहा और एलजी प्रशासन जो हैं उनके अधिकारियों को ये एक बहाना मिल गया है कि जनाब यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो जब तक पूरी इम्प्लीमेंट नहीं की जाती तब तक वो नहीं होगा। और अगर विभाग विभिन्न जो अलग अलग विभाग है वो कह रहे हैं कि मैन पावर की कमी है, तो भाई साहब इस कमी को पूरा कैसे कर लिया गया? यानी कि आप इतने लापरवाह है एलजी सरकार, एलजी जो प्रशासनिक सरकार है, एलजी के जो अधिकारी वो इतने लापरवाह हो गए हैं कि मैन पावर की कमी है लेकिन फिर भी वो काम करवा रहे हैं। यहाँ तो पिछले दरवाजे से पूरी हो गई, कल को तो यही होगा ना, ये सवाल उठेंगे कि भाई साहब अगर 752 की अगर जरूरत थी तो क्या आपने पूरे कर लिए क्या? अगर नहीं पूरे किए तो फिर आपने भर्ती क्यों नहीं करवाई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल लिया आपने? तो ये कुछ चंद सवाल हैं जो बेहद जरूरी हैं और उनके जवाब जो हैं वो सरकार को देने चाहिए। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं बार बार कहता हूँ इनकी जवाबदेही तय कीजिए। और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दें क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते किसी की। बस यही है कि यूथ जो है वो काफी मायूस है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।